जय जय श्री राधे। सभी भागवत प्रेमियों को, वैष्णव बंधु और हरि भक्तों को अनंत शुभकामनाएं। आज से अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का शुभारंभ हो चुका है। वस्तुतः यह अधिक मास मेरे नारायण के नाम से, पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, और जिसे मेरे गोविंद ने स्वयं अपना नाम दिया हो, उस महीने की कितनी अधिक महत्ता है, इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि इस विशेष मास में किया हुआ कोई भी पुण्य कर्म, चाहे वो हरि कथा स्मरण हो, चाहे वो सतत नाम जप हो, चाहे वो ब्रज की परिक्रमा हो, गोवर्धन की परिक्रमा हो, अथवा हमारे ब्रज में रहकर जो भजनानंदी पुरुष लोग संकल्प से भजन करते हैं, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगला आदि का दर्शन करते हैं और अन्य भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, समस्त पुण्य कर्मों की सिद्धि का ये विशेष मास है जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। सबको पता ही है, इस वर्ष हमारा भी वार्षिक आयोजन 23वां शुक तीर्थ में होने जा रहा है, 1 जून से 14 जून, दोनों सत्र में और बिना संगीत के। मूल भागवत 335 अध्याय की मूल कथा होने जा रही है, और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि विशेष रूप से नाम जप जो करते हैं, इस महीने में किया हुआ कोई भी सत्कर्म, चाहे वो दान हो, चाहे पुण्य हो, चाहे जप हो, चाहे भागवत श्रवण हो, कोटि गुना फल प्राप्त होता है अधिक मास में करने से। तो आप लोग जो तन के रोग से पीड़ित होते हैं और जो नाम जप का आश्रय लेते हैं, मैं निवेदन करूँगा विशेष रूप से इस महीने में, जिसका शुभारंभ आज से हुआ है, कम से कम अधिक नहीं तो 27 मिनट, 27 मिनट भी यदि आप नाम जप का आश्रय लें। और कुछ विशिष्ट नाम हैं, जैसे सबसे पहला नाम तो मैं इसी का ले रहा हूँ, पुरुषोत्तम। जितने भी हमारे बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए विद्या प्राप्ति का सर्वोत्तम यदि विष्णु का कोई नाम है तो वो यही नाम है, पुरुषोत्तम। ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः। इसको 27 मिनट यदि एक आसन पर बैठकर आप जपें, निश्चित रूप से विद्या में सफलता मिलेगी। और यदि किसी को विष, आज हमारे शरीर में एक ऐसा रोग है जिसको डायबिटीज बोलते हैं, जैसे शुगर बोलते हैं, मधुमेह है, तो ये जो शुगर है ये शरीर के लिए विष का ही तो काम करता है। तो यदि कोई विष के रोग से, विष से यदि कोई आक्रांत है, पीड़ित है, तो उसको ओम गरुड़ ध्वजाय नमः का जप करना चाहिए। ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, मैं बार बार आवृत्ति कर रहा हूँ, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः। कुछ अन्य नाम भी मैं आपको बताता हूँ, नाम की अनंत महिमा है। देखिए मैं एक श्लोक आपको सुनाता हूँ जिसमें नाम की बड़ी सुंदर दिव्य रोगनाशक। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात सत्यम नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद, अच्युतानंद शब्द जो है भगवान का, यदि सचमुच कोई शरीर के किसी एलर्जी से अथवा ऐसा कोई रोग जो जांच में न आता हो पर आप पीड़ित हैं, अज्ञात रोग से पीड़ित हैं, शरीर के किसी अंग विशेष में कुरूपता से पीड़ित हैं, जिसको एलर्जी भी कहते हैं हम, ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्ति ओम अच्युता आनंद गोविंद, तो केवल अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः का आप जाप कर सकते हैं। यदि किसी को बंधन का डर हो तो ओम दामोदराय नमः मुक्ति के लिए। यानी जैसा काम वैसे ही नाम का आश्रय लें। इस पुरुषोत्तम मास में आपका जपा हुआ एक एक नाम कोटि गुना फल प्रदान करेगा। यदि मामला मुकदमा में फंसे हैं तो बड़ा सुंदर ओम अजिताय नमः। और भी यदि किसी को किसी प्रकार के हृदय रोग से पीड़ित हैं तो ओम अनिरुद्धाय नमः। ऐसे जितने भी काम हैं उनका एक अलग पृथक नाम है, आप उन नामों का आश्रय लें। और ये पुरुषोत्तम मास आप लोगों के लिए स्वस्थ दीर्घायुष लेकर आए और आपको आपको मनमंचित फल की प्राप्ति हो। गोविंद की अविरल भक्ति अहेतु कृपा आप पर बरसे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप सबको जय जय श्री राधे श्याम।